गुड मॉर्निंग एवरीवन, लिबर्टी चौक में खुश आमदीद। मैं हूँ अरुज कामरान और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2019 और 2020 के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट ने एक हफ्ता पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है, जिसमें की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस और इकोनॉमी के डिफरेंट शोबों की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया। इस सर्वे में मौजूदा हुकूमत की तरफ से शुरू की गई पॉलिसीज की जो खसूसियात है उस पर भी रोशनी डाली गई है, जो कि हमारी इकॉनमी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के रास्ते पे ले जाने पे फोकस कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे की पॉलिसीज के बारे में, और ये भी जानेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है इस इन पॉलिसीज को लेके। हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी चौक में दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर नेमतुल्ला खान एंड शरियार अजीज। वेलकम टू लिबर्टी चौक। थैंक यू, वेलकम वेलकम अगैन। मैं आज अपनी डिस्कशन का आगाज डॉक्टर नेमतुल्ला से करती हूँ। डॉक्टर नेमतुल्ला, आप ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने जो स्टेबलाइजिंग के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो क्या है, और वो क्या एक्चुअली उन्होंने वर्क किया है कि नहीं। बहुत शुक्रिया उरुज। जिस तरह पहले से हमें पता है कि टुडे वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, एंड फॉर द एनालिसिस पर्पस आई डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स। एक फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ दिस फिस्कल ईयर एंड द लास्ट सिक्स मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर। लाइक वी नो कि जब से पीटीआई गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत में आई हुई है, दे आर फोकसिंग ऑन द स्टेबलाइजेशन मेजर। नाउ इन द स्टेबलाइजेशन मेजर व्हाट दे डिड, लाइक दे वांट टू स्टेबलाइज द करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, एक्सचेंज रेट एंड फेडरल रिजर्व। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन पीरियड। In the first six months of the fiscal year, from July to December 2019, government took these initiatives. And for this purpose, what they did, they maintain a high interest rate. अब जब हम high interest rate maintain करते हैं तो क्यों maintain करते हैं, उसकी वजह क्या है? वो वजह ये है कि एक तो उसने करंट अकाउंट बैलेंस जो डिफिसिट है उसको कम करना था। अब उसकी हम देखते हैं कि या तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या हम इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं। अब इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दी, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब सक्सेसफुल भी रहे, और हम देखते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट वो 73% डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट की, तो वो दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम अपने फॉरेन रिजर्व है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी डिमांड कम हो जाए लोकल प्रोडक्ट के लिए भी, और इन्फ्लेशन उसके साथ मेंटेन हो जाए। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट का जो एक फ्लिप साइड है वो ये है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, और लोगों में जो एम्प्लॉयमेंट थे, बॉरोइंग पावर था, वो कम हो गया था। दैट्स व्हाई लोग बहुत सफ़र हो गए, खासकर जो आम सिटीजन है उन्होंने हाई प्राइसेस पे सारी चीज़ें ले ली, बट दे टॉलरेटेड इट। अब अगर हम सिक्स मंथ के बाद, जनवरी के बाद हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट वो डिक्रीज करना उसने शुरू कर दिया, और वो मूव हो रहे थे फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ पीरियड। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि फरवरी के बाद, ये जनवरी के बाद, ये कोविड-19 का इशू आ गया, और जो ग्रोथ पीरियड था वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना होना चाहिए था। अब स्टेबलाइजेशन पीरियड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, लाइक जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें बता रहा है कि जो प्राइमरी बैलेंस है वो इम्प्रूव, वो अच्छा हो गया है, डेफिसिट कम हो गया है, रिजर्व बढ़ गए, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो उसमें से इंक्रीज हो गया है। सो उसकी और उनकी और जो पॉलिसीज थी स्टेबलाइजेशन की,
उसको इसकी तरफ उसने मोडी जो रेटिंग कंपनी है उसने भी की कि पाकिस्तान का जो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है वो माइनस से B+ B3 पे ले गए। तो ये सारे मेजर्स थे स्टेबलाइजेशन के फर्स्ट 6 मंथ में, लेकिन जब हम ग्रोथ पीरियड में आ रहे थे तो वो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। मिस्टर शरियार, आपके क्या व्यूज हैं इस हवाले से? अगर तो गवर्नमेंट का प्राइमरी एम, आप बैक देन जब ये पॉलिसी डिवाइज हुई थी, जब IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान एंटर हुआ था, तो उस वक्त इनका एक एम ये था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और पाकिस्तान के जो डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको कुछ थोड़ी लगाम डालनी है उसमें जो फॉल आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारे जो इम्पोर्ट कवर था वो बहुत कम रह गया था और हमारे जो इम्पोर्ट्स की ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो गई थी। तो अगर आप इस बेसिस पे जज करें तो फिर मैं कह सकता हूँ कि स्टेबलाइजेशन जो है उसने काम किया है, क्योंकि इम्पोर्ट्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है कट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर मैक्रो इकोनॉमी को देखें तो अगर मैं पूरे कुछ 10-15 मिनट सोचूं तो आई एम श्योर मेरे जहन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि मैं कहूँ कि हाँ ये वाला मेजर जो है वर्क किया है, लेकिन नहीं, मुश्किल है। एक तो एक गवर्नमेंट ने इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम अपने हॉर्स भी चेंज किया है। सबसे पहले वो हमने एक पॉलिसी रखी हुई थी, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी रखी हुई थी, 13.25% हमारा डिस्काउंट रेट था। अब ला के उसको जो है हमने काफ़ी शार्प डिक्लाइन कर दिया, उसको 8% पे ले आए हैं। तो अब अगर 13.25% पे जब था तो उस वक्त हम अपनी इन्फ्लेशन को अरेस्ट नहीं कर सके, वो डबल डिजिट्स में था, 13% के करीब था। अब जब 8% पे हम उसको ले आए हैं और अब हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो अब जब इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करने की जरूरत है तो हमने उल्टा डिस्काउंट रेट जो है कम कर दिया है। तो काफ़ी जी मुश्किल है कहना कि कोई स्टेबलाइजेशन मेजर जो है वो उसने एक्चुअली वर्क किया है, क्योंकि इस साल भी पाकिस्तान का जो प्राइमरी बैलेंस है वो नेगेटिव में ही है, मतलब कि हमें मजीद कर्जा लेना पड़ेगा इस साल भी अपने हुकूमत को चलाने के लिए। ठीक है। रिपोर्ट्स के अंदर जी डॉक्टर ने मतलब शहरियार साहब की बात के साथ में थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट थोड़ा सा जी डिसएग्री करता हूँ रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन थिंग्स, क्योंकि हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एक कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अब हम लास्ट 1 ईयर में जो देख रहे हैं दिस इज़ मोर लाइक कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पे टैक्सेशन बढ़ गई है और पेट्रोल की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इंटरेस्ट रेट को अगर हम डिक्रीज भी कर ले तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी पाकिस्तान में जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा था वो कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो हमने ये करना है कि जिस तरह हुकूमत ने की टैक्सेशन इस टाइम नहीं लगाई और दूसरी जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी हो गई है, इसका मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन रेट पे बड़ा अच्छा असर होगा कि उसकी वजह से वो कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी वही चीज़ आती है कि अगर प्राइसेस कम भी हो जाए ट्रेडर या जो ताजर है उसको फॉलो अप नहीं करते, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो किराए कम नहीं करते, उसमें भी गवर्नमेंट की नाकामी ही है, क्योंकि ये जो प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो फिर भी गवर्नमेंट के पास ही है। सही। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स का मेंशन किया गया, जो ग्लोबल इकोनॉमी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है, जैसे कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में सस्पेंशन ऑफ ट्रेड, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जो ऑयल की प्राइसेस हैं यूके ने एग्जिट किया है हम यूरोपियन यूनियन से, इस सब का क्या इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे? मिस्टर शरियार काइंडली एड्रेस दिस। अच्छा, ये जो आपने सारे इवेंट्स का जिक्र किया है ये प्राइमरीली इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के एरिया में काफ़ी आइसोलेटेड है, तो इसलिए हमें उन इवेंट्स का कोई ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर आप ये जो कश्मीर का इशू है उसको अगर ले लें, हमारा इंडिया के साथ टू बिगिन विद इतना ट्रेड वॉल्यूम था ही नहीं कि अगर हम उसको इंटायरली भी लूज कर दें तो हमारा कोई सिग्निफिकेंट डेंट पड़ जाए उसमें। सेम इज द केस विद हमारा जो ट्रेड विद अफगानिस्तान है या हमारा ट्रेड विद ईरान है। तो इन मेजर्स का इन
ये जो इंसिडेंसेस हैं इनका हमारी इकोनॉमी पे कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। अलबत्ता ये जो कोविड है ये हमारी इकोनॉमी के लिए जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज है, फॉर एक्सटर्नल रीजंस भी और फॉर इंटरनल रीजंस भी, और इससे हम बराए रास्त इफेक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल जी डॉक्टर नेमतुल्ला, जैसे शरियार ने कहा कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, आपके क्या व्यूज हैं? इस सवाल को देखने के लिए अगर हम पाकिस्तान की जो ट्रेड पार्टनर से, जिसकी तरह तरफ शेरियार साहब ने भी इशारा किया, हम उस ट्रेड पार्टनर्स को देखेंगे। अगर पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट डिस्टिनेशन देख ले तो पहले यूएसए है, इसके बाद चाइना है, फिर यूरोप आता है और फिर गल्फ स्टेट है। अब अगर ये कंट्रीज कोविड की वजह से इफेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट जो पहले से बहुत कम है वो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इम्पेक्ट होगी। और सिमिलरली अगर हम इम्पोर्ट की बात कर रहे तो हमारी जो टॉप डेस्टिनेशन है वो चाइना है और उसके बाद यूएई है और सारी वो आती है। अब डिपेंड करता है, अब इंडिया के साथ अगर हम बात करिए या साउथ सार्क कंट्रीज़ के साथ अगर हम बात करें तो सार्क कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो या अच्छे ना हो उसकी वजह से हमारी ट्रेड पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेड का सिर्फ 5% जो हिस्सा है वो साउथ सार कंट्रीज़ के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आता है। तो अगर उसके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो फिर भी इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ अच्छे ना हो तो फिर भी नहीं पड़ता। लेकिन जिन ट्रेड पार्टनर्स आपके जितना ज़्यादा सफ़र होगा आपकी एक्सपोर्ट उतनी ही ज़्यादा सफ़र होगी। मैं देख रहा हूँ कि जो यूरोप और यूएसए में जो कोविड की वजह से वहाँ पे हुई है तो उसकी वजह से पाकिस्तान भी इफेक्ट, उसकी एक्सपोर्ट इफेक्ट होगी। डॉक्टर नेमतुल्ला, आपने ये डिस्कस किया कि कोविड-19 की वजह से हमारी इफेक्ट हो रही है, तो मिस्टर शहरयार आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि कोविड-19 कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है और कमिंग ईयर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसको फिर दो तरह से हमें एनालाइज करना होगा। एक तो कोविड के जो इंटरनेशनल इकोनॉमी पे फर्क है और उसके रिजल्टेंट जो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आ रहा है, और एक जो कोविड का डायरेक्टली पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है हर साल अबाउट $20 बिलियन हम कमाते हैं वर्कर्स रेमिटेंसेज में। ये एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरन इनकम है पाकिस्तान के लिए। अब जब क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है तो पाकिस्तान की कसीर तादाद जो है जो हमारे ओवरसीज वर्कर्स हैं वो अब अनएम्प्लॉयड होकर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो एक तो ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं इसमें हमें एक डिप नजर आएगा। एक तो क्योंकि जो यूएई की जो इकॉनमी है वो प्राइमरी चलती थी टूरिज्म की वजह से, तो कोविड की वजह से टूरिज्म में भी जो है काफ़ी डिक्लाइन आ रहा है। फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं जिस तरह उनमें एक स्टंप आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो वर्कर्स हमारे ऑयल इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक था उनकी भी कुछ जॉब्स में जो है कट्स जो हैं वो मतलब हुए हैं। तो एक इसकी वजह से हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें एक कमी बातें हो रही है। फिर दूसरा ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी डिमांड जो है वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो इंटरनेशनली जो एग्रीगेट डिमांड है वो डाउनवर्ड्स जो है जाएगी, उसकी ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स सीड्स हैं उसमें भी कुछ कमी बातें हो सकती है। फिर अगर हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो रही है पाकिस्तान का, जिस तरह फोरकास्टेड है कि -1.5% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। इसकी वजह से हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज है जो गवर्नमेंट कमाती है, क्योंकि आपका जीडीपी जो है वो कम हो रहा है, आपकी नेशनल इनकम कम हो रही है, तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान जनरेट करता है उसमें एक कमी आएगी। फिर साथ ही साथ जहाँ की हुकूमत की टैक्स रेवेन्यूज में कमी आ रही है उसके साथ साथ हुकूमत पर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने का एक दबाव भी आ रहा है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब प्रमोशन को सपोर्ट करेगी, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी। तो एक तरफ हुकूमत की आमदन जो है उसमें कमी वाकई हो रही है और साथ ही साथ हुकूमत पर दबाव बढ़ा है कि वो अपनी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाए। तो ये एक सिचुएशन सामने आ रही है कोविड की वजह से कि काफ़ी जो है हुकूमत की कंस्ट्रेन रिसोर्सेज पे जो कंस्ट्रेन है वो उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। इसका दबाव तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास अभी लो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो हम इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं considering the fact that COVID-19 abhi it is here to stay for some time until a cure is found? So what do you think, Shariar?
मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमें कुछ मजीद टैक्स का बोझ जो है वो टैक्स पेयर्स पे बढ़ाना चाहिए। इस वक्त फोकस ही होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको कंट्रोल कर लें, क्योंकि इस दफा ऑलरेडी जो है इकोनॉमी जो है, क्योंकि अगर एक स्लंप में है और अगर आप उस पर मजीद जो है टैक्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हिट लेगी पाकिस्तान में, क्योंकि जो टैक्स बढ़ाने के जब भी कोई ड्राइव होती है तो वो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाने पर फोकस कम होता है, ज्यादा जो रिजल्ट्स में बेहतरी आती है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ज्यादा टैक्स करने से आती है। तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हुकूमत को अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स रेट्स इंक्रीज करने चाहिए या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को मजीद स्क्वीज करना चाहिए। अपने अखराजात में ऑस्टेरिटी लाएं, काफी सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स मिल जाएंगे जो कि गैर जरूरी हैं और उसमें कमी लाई जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ये हमारी हाई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं हम उसको रिड्यूस करें। तो डॉक्टर नेमतुल्ला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन के अभी हम हमारे मुल्क के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं हैं और हमारे अभी भी बहुत ज़्यादा हाई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ये तो एक रेसिपी हो गई हमारी डिजास्टर, मतलब कि फाइनेंशियल डिजास्टर के लिए। तो इस हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? शेर साहब ने उसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं उसमें कुछ स्टेटिस्टिक ऐड करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग टू जीडीपी रेशो है वो है 21% और इंडिया की है वो है 13% और बांग्लादेश की है 14%। इट मीन्स कि हम इंडिया और और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है ओवरऑल कर रही है वो उसमें ज़्यादा है। तो हमने उसको अगर हम सेविंग पे लाएंगे तो वो अच्छी हो जाएगी। अब अच्छी बात मेरे ख्याल में इस इकोनॉमिक सर्विस में मैंने ये देखी कि सेविंग टू जीडीपी रेशियो वो कदरे बेहतर हो गई है, वो 10% से अभी 13% पे हो गई है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक हम सेविंग नहीं करेंगे और इस स्पेंडिंग को हम कम नहीं करेंगे उस टाइम तक ये मुमकिन नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होती है टैक्स रेवेन्यू, दूसरी होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू में अगर हम पहले 6 मंथ की बात करें तो उसमें तकरीबन 20% इंक्रीज टैक्स कलेक्शन में हुई थी, और नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है उसमें 17% अप टू मार्च वो 17% इंक्रीज हुई है। और भी वेन्यू है जिसमें वो उसको इंक्रीज कर सकती है और स्पेंडिंग को डिक्रीज कर सकती है। बहुत से इस तरह मिनिस्ट्रीज है या डिविजन्स है फेडरल लेवल पे जो 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल के पास नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे है और वो उस पर वैसे हम हाँ वो एहराजात कर रहे हैं। तो अगर वो इन अमेंडमेंट के बाद या उसकी ज़रूरत अभी नहीं रही है किसकी भी वजह से, तो अगर उसको ख़त्म कर ले तो उसकी वजह से भी स्पेंडिंग रुक सकती है। दूसरी हमारी जो एक्सपेंडिचर का हिस्सा है वो जाता जाता ये जो लास्ट मेकिंग स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज है। अब मैं ज़ाती तौर पे प्राइवेटाइजेशन के इतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेटाइजेशन हुई है अभी तक वो ना फाइनेंशियली और ना नॉन फाइनेंशियली वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अगर एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो कंटिन्यूसली वो लॉस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उससे निजात पा ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन इन मेजर के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट अपने अहराजात को वो कंट्रोल कर सकती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू को अगर वो बढ़ा दे तो उसकी वजह से फेडरल पे जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो कम कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो वो प्रोविंस के साथ वैसे भी शेयर नहीं करते। प्रोविंस एनएफसी अवार्ड में तो सिर्फ हम टैक्सेबल रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू है उसको ही शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से फेडरल जो अभी वो कह रही है कि हमारी फाइनेंशियल फिस्कल डिफिसिट है, तो अगर वो टैक्स रेवेन्यू के साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू पर ज़्यादा फोकस करे और अपने एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग टू जीडीपी कम कर ले तो उसकी वजह से फिस्कल डिफिसिट पे वो दबाव कम हो जाएगा। मिस्टर शहरयार, आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा
कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट जो इंक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन अभी ऑब्वियसली सिचुएशन की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑयल की प्राइसेस गिर तो गई हैं और बहुत सारी कमोडिटी की प्राइसेस भी अभी एक रीज़न है स्लो डाउन होने की, इकोनॉमी में होने की वजह से, और इसकी वजह से काफ़ी इम्पोर्ट बिल और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी फर्दर रिड्यूस हो रहा है। इस हवाले से व्हाट डू यू रिकमेंड कि हम किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करें और कैसे केटर करें आज ये कोविड-19 की सिचुएशन में? पाकिस्तान के पास तो वो फाइनेंशियल स्पेस या वो कुशन ही मौजूद नहीं है कि हम कोविड में कुछ ज़्यादा रिलीफ दे सकें। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर आपने जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है दोबारा से उसको कुछ बूस्ट देना है, तो उसके लिए करना ये पड़ता है कि हुकूमत को अपने जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि जब आप पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाते हैं, तो उससे फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में और फिर उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारा जो बजट का हुजम है वो कम हो गया है। तो गवर्नमेंट ने ये वाली ऑप्शन चूज नहीं की कि वो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाए, और उसमें फिर ऑब्वियसली उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं। पाकिस्तान उस वक्त एक IMF प्रोग्राम के से गुजरा है। उसके अलावा फिर अगर हम अपने पब्लिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हमें अपना डेट बर्डन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि तो प्राइमरली पाकिस्तान का जो बजट है उसमें जैसे ही आप डेट सर्विसिंग को और डिफेंस को निकालते हैं तो आप ऑलरेडी नेगेटिव में चले गए होते हैं। मतलब ये कि अगर आपने उसके ऊपर कोई भी तनख्वाह पे करनी है, कोई भी पेंशन पे करनी है, तो वो फिर आपको डेट से उसको फाइनेंस करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग रन के बारे में सोचें तो वो जिस तरह के मेरे सीनियर हैं डॉक्टर नेमत साहब, इन्होंने भी उसमें उस बात का इशारा किया था कि पाकिस्तान जो है वो इट इज कॉट बिटवीन साइकिल्स ऑफ बूम एंड बस्ट। कुछ साल आते हैं उसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी जा रही होती है, 5% के करीब पे ग्रो कर रहे होते हैं, और फिर एक साइकिल आता है कुछ साल उसके फौरन बाद जब हमारा ग्रोथ रेट जो है बिल्कुल ही 1-2% के करीब आ जाता है। उसकी वजह है कि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग रन। जैसे ही हम 5% पे ग्रो करना शुरू करते हैं तो कुछ 1-2 साल में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारे पास इम्पोर्ट कवर नहीं रहता, और फिर उसके बाद फिर कॉन्शियसली ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब इसको कम करने के लिए हम अपना मॉनिटरी पॉलिसी रेट जो है वो डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं ताकि इकोनॉमी जो है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा स्लो डाउन हो, ताकि हमारे इम्पोर्ट्स में कमी आए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रेशर कम हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो, जैसा कि हमने अभी कुछ पिछले साल किया। तो अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है कि हम 5% पे कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकें, तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज टू GDP जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वरना हम जब भी ग्रो करते हैं तो क्योंकि हम ज्यादा इम्पोर्ट लेड ग्रोथ होती है तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी सेविंग्स हैं, नेमत साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि वो बढ़ रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सेविंग्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसलेट हो ताकि हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकें। डॉक्टर नेमतुल्ला, आई जस्ट वांटेड टू पिन पॉइंट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हम ये देखते हैं कि एजुकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो आज आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस एंड हमारा जो है वो कोलैप्स भी कर रहे हैं कुछ टू सम एक्सटेंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, लैपटॉप, द बेसिक थिंग्स दैट स्टूडेंट माइट नीड राइट नाउ। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं? लाइक कोविड-19 के बाद तो सारी दुनिया वो तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है। हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मल क्लासरूम थे वो अभी ऑनलाइन क्लासरूम में चले गए, और स्टेटिस्टिक ये बता रही है कि अमेरिका में तकरीबन कमिंग 50 ईयर्स में 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ की वो ख़त्म हो जाएगी और वो ऑनलाइन में तब्दील हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ को हमने भी कोप करना है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या बाकी जो प्राइमरी एजुकेशन वाले, हाई एजुकेशन वाले, ये सारे इफ़ दे
वांट टू कोप विद दिस, वो उसने के साथ टेक्नोलॉजी भी उसने चेंज करनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है। अभी ऑनलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, इंस्टेड ऑफ जो पहले ब्लॉक्स पे और सीमेंट पे जितनी इन्वेस्टमेंट वो करते थे, अभी वो इन्वेस्टमेंट उसने ऑनलाइन रिसोर्स पे करनी है इन ऑर्डर टू कोप विद द सिचुएशन। तो हमारे टेक अवे पॉइंट्स यही हैं कि अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है और गवर्नमेंट इसको कैसे केटर करने की कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है हमारे वल्नरेबल सोसाइटी को, और गवर्नमेंट का फिलहाल फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए कि सोशल सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग, हम किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे फंक्शन कर सकती है और किस तरीके से गवर्नमेंट को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करने की जरूरत है विद इन दिस क्राइसिस। एंड लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस चीज को आगे किस तरीके से मॉनिटर करती है और आगे किस तरह के मेजर्स लाती है ताकि वो मिटिकेट कर सके कोविड-19 के एडवर्स इफेक्ट्स को। जी अरुजी, इस इकोनॉमिक सर्विस में दो बाकी दो बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो है एक तो डेट सर्विंग, जो हमने जी डेट्स लिया हुआ है 2008 के बाद। 2008 में ये तकरीबन 6 ट्रिलियन था और अभी 2020 में ये 43 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और हमारी बजट का अभी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 42% तकरीबन बन रहा है। लाइक इंटरेस्ट पेमेंट वो हमारी पेंशन, सैलरी, डिफेंस, इन सारे अखराजात को मिला के उससे हमारी इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा है। और इस साल इकोनॉमिक सर्वे में एक और चीज़ आई है कि हमारी जो पेंशन लाइबिलिटी है वो हमारी सैलरी से ज़्यादा हो गई है फेडरल लेवल पे। तो ये क्योंकि हमने पहले से पेंशन के लिए इतनी मैनेजमेंट नहीं की थी, तो इस वजह से वो बर्डन और भी बढ़ रहा है। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर द फेडरल, इट इज़ इक्वली फॉर द प्रोविंसेस एज वेल। एक तो हमने ये डेट सर्वे सर्विसिंग जितनी भी हम उसको कर ले, अगर तो हम कंट्रोल ना कर सके तो मेरे ख्याल में कोई और तरीका नहीं होगा फॉल आउट के लिए। और तो अभी जो गवर्नमेंट पेंशन को लाइबिलिटी है, काफी जी तो गवर्नमेंट को काफी जरूरत है कि वो एक मेच्योर स्ट्रक्चर लेके आ सके ताकि ये पब्लिक डेट के हवाले से हम एक सस्टेनेबिलिटी ला सकें, क्योंकि बैक एंड फोर्थ हम काफी ज्यादा सेफ्टी सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड करते रहे हैं अपनी आवाम को, लेकिन अब की सिचुएशन में आई थिंक कोई एक मेच्योर स्ट्रक्चर ले आने की जरूरत है ताकि इस चीज को हम इम्प्रूव कर सकें। आपका दूसरा पॉइंट डॉक्टर नेमतुल्ला, पेंशन फंड पेंशन के, का पेंशन फंड्स के हवाले से। ठीक है, बस कि उसकी मैनेजमेंट ठीक कर ले, हम इस सेशन उसकी को मैनेजमेंट रैपअप। अगर ठीक जी जी डॉक्टर निमेश है, सही है, जी, श्योर। अब हम इस सेशन को रैपअप करते हैं। टेक शहरयार, आप अपने 2 से 3 टेक अवे पॉइंट्स बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से किस तरीके से हम आगे इस साल को सस्टेन कर सकते हैं। एक तो थोड़ी सी अपनी जो बजट की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज हैं उसको इम्प्रूव करें। इस साल पाकिस्तान ने बजट में डिफेंस बजट जो है उसमें 5% इंक्रीज किया है, और एट द सेम टाइम हमारी जो सोशल प्रोटेक्शन का जो हमारी एजुकेशन है वो नियरली 5.8% डिक्रीज हुई है। तो अब इस कोविड के टाइम में मेरा ख्याल से इसको इन्वर्स होना चाहिए था। फिर दूसरा, डॉक्टर नेमत साहब की बात सही, मैंने ये आइडिया आया कि क्योंकि पाकिस्तान प्राइमरी एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, 60% ऑफ जीडीपी हमारा सर्विसेज से है, तो अब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे कुछ फोकस करें। दुबई में काफ़ी सारे यूएसए की यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने कैंपस खोले हैं, तो अब जब ऑनलाइन सेमेस्टर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम भी अपना एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरह से ऑनलाइन आए कि अफगानिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं, ईरान से जो स्टूडेंट्स हैं, यूएई के कुछ ममालिक से जो हैं, तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो रिजू करें और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में इनरोल करें, तो इससे हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू कमा सकते हैं। डॉक्टर नेमतुल्ला, आपके टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं? पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस है वो तो ये कि एक्सटर्नल अकाउंट पे उसने फोकस करना है। अब एक्सटर्नल अकाउंट में उसने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, रिमिटेंसेस जो बहुत ज़्यादा सफर हुई उसको, और टूरिज्म। अब अगर कोविड रुक जाता है फिर तो ये चीज़ें हैं, डेट सर्विसिंग हो गया, पेंशन एक्सपेंडिचर हो गया, दीज आर द चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग ईयर्स। और उसमें अपॉर्चुनिटी भी है कोविड की वजह से, और अपॉर्चुनिटी बड़ी ये है कि प्राइसिस काफ़ी गिर गई है।
अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम ऑयल प्राइसेस इस लो प्राइसेस पे ऑयल को परचेज कर ले तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है एंड वी कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेल। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन डॉक्टर नेमतुल्ला एंड शरियार अजीज। यू आर वेलकम। अब हम इस सेशन को रैप अप करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी गवर्नमेंट आगे इस पूरे साल में COVID-19 को कैसे मॉनिटर करती है और आगे कौन से मेजर्स ऐसे लाती है जो हमारी इकोनॉमी को आगे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके चलती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।